बिल्कुल मार्च बिल्कुल बिल्कुल 2021 को जी कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने सदन के भीतर जवाब दिया था कि 8,72,000 पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं। जी मैं गलत बोल रहा हूं? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये कब भरे जाएंगे देखिए और क्यों नहीं भरे गए देखिए तिलक जी, और वजह क्या है सर? सरकारी नौकरी का सिस्टम एक दिन में तो नहीं होता है, और आपने जो माननीय मंत्री जी का जिक्र किया, जितेंद्र जी का, तो वो ये हमारे पद कारगिल खाली विभाग के क्यों मंत्री है, थे। क्यों नहीं भरे गए और कब भरे जाएंगे सर? छोटा सा सवाल है। देखिए, जब हमारी सरकार 2014 में बनी, 2014 के पहले जो स्थिति भारत सरकार की थी, पूरे देश की जो स्थिति थी, युवा रोजगार के मुद्दे पे हमें लेकर चौबीस आपने रेलवे में 2,37,295 पद खाली जी पड़े हुए हैं, जी यानी कि जिसका 15%। सर जिसकी पूरा सुन लीजिए, प्रति पूरा सुन लीजिए। जी गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद खाली पड़े हुए हैं, यानी 12%। जी विज्ञान भवन में 8,227 पद खाली पड़े हैं, यानी 66% पद खाली पड़े हैं। जल संसाधन मंत्रालय का जिक्र करूं तो 4,557 पद खाली पड़े हैं, और जी नीति आयोग में ही आप हैरान हो जाएंगे 32% पद खाली पड़े। नहीं, आपकी बात से सहमत हूं तिलक जी, मैं कहां कहीं इस सहमत है बात की सर? इस डिनाई पे नहीं तो कर रहा चुनाव हूं। ही नहीं होता। मैं नहीं आंकड़े गलत बोल रहा हूं तो बताइए। नहीं नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसके साथ साथ आप एक आंकड़ा वो भी दिखाइए कि हमारी सरकार कैसे रोजगार को लेकर, कैसे युवाओं को रोजगार देने के लिए जो काम कर रही है, सारे विभाग को, तो सर और फिर ये लगातार। छात्र पिट क्यों रहे हैं जो ये रेलवे देखिए वाले हैं? देखिए सरकार के पास ये नौकरी है, मेरा सवाल यही है कि सरकार के पास अगर नौकरी है तो फिर नौकरी की तैयारी क्यों नहीं कर सकते ये छात्र? क्या तिलक जी, ये मामला फिर ये दूसरा है। मार क्यों खा जो रहे हैं? जो छात्र जो रेलवे के ट्रैक पे बैठे हुए जो आंदोलन कर रहे हैं, वो मामला रोजगार से, रोजगार में जो घोटाला हुए हैं उसको मामले को लेकर है, और हमारी सरकार इसके लिए बहुत कृतसंकल्प है। बहुत ही हिंसा जल्दी गलत हो इस सकती पे, है, समस्या गलत है। बहुत ही जल्दी माननीय रेल मंत्री जी ने इंक्वायरी सेटअप कर दिया है, 3 महीने के अंदर उस इंक्वायरी पे फाइनलाइज होगा। तीन तीन साल परीक्षा कराने में लग जाते हैं जी केंद्र सरकार को, तीन तीन जी साल। यूपीएससी में, यूपीएससी की परीक्षा में तीन तीन साल निकल गए, तीन तीन नहीं साल। बिल नहीं नहीं देखिए, मैं आपकी बात से सहमत, मैं कह रहा हूं, मैं तीन आपकी बात से साल हो गए सहमत हूं। सर, यूपीएससी की परीक्षा नहीं हुई तीन तीन साल तक। आप बताइए, इन इन आप कितना सारी वक्त चाहिए विकृतियों आपको? का कारण सिर्फ और सिर्फ देश के में विगत वर्षों, विगत समय में कांग्रेस की जो सरकार रही है उसी की अच्छा, वजह इसके लिए से भी ये, कांग्रेस जिम्मेदार है? अच्छा, निश्चित तौर पे आपने 2014 के बाद भी नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है? देखिए कोई भी चीज पटरी पे लाने में एक दिन नहीं लगता। फॉर्म जी भरने के बाद आईआईटी की परीक्षा जी की डेट जो है वो 4 साल तक नहीं निकलती, फिर ये किसकी गलती है ये कब की बात आप कर रहे थे तिलक जी? आप ये सर? मैं अभी 2014 की की बात कर देखिए, रहा हूं, अभी की बात कर रहा हूं। फॉर्म भरने के बाद आईआईटी की परीक्षा के लिए 4 साल निकल गए, सर किसकी तिलक जी, गलती तिलक है? जी 2 साल तो कोरोना में चले गए, चाहे अच्छा, यूपीएससी का मामला हो एक बार पहले। फिर से आप दोहराइए कोरोना वाली बात। देखिए तिलक जी, आप हमें घुमा रहे हैं, मैं भी आंकड़ों पे मैं ही बात घुमा कर रहा नहीं हूं। रहा, इसका आधार मैं दे सकता हूं। इसका आधार यह है कि कोरोना में पीएम की रैली हो सकती है, कोरोना में पीएम की रैली हो सकती है, मगर रेलवे की परीक्षा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो नहीं सकती? नहीं देखिए, क्यों नहीं हो विद्यार्थी सकती खुद ही, सर? अगर आप लोगों की रैलियां हो सकती है, जनसभाएं हो सकती है, तो कोरोना में ही रेलवे के लिए नौकरी अगर आप निकाल रहे हैं तो क्यों नहीं हो सकती उनकी परीक्षा? लगातार जिस तरीके से रोजगार को लेकर बाहर की कंपनियां भी हमारे देश में आ रही, उत्तर प्रदेश में भी आ रही हैं, तो ये जवानी हमारी सरकार के का कमाल है। सर, जवानी के 3 साल परीक्षा के इंतजार में निकल गए, बर्बाद हो गए, उसका जिम्मेदार कौन है ये भी बता दीजिए। कांग्रेस, कांग्रेस है ना, उसके लिए भी कांग्रेस जिम्मेदार, आप उसके लिए भी विगत कांग्रेस जिम्मेदार है अनंत मिश्र? निश्चित तौर पे, निश्चित तौर पे सर, अभी राइट टाइम 2019 का है। चुनाव नहीं होता तो ये भर्ती भी नहीं निकालते आप। नहीं, 2024 में अभी चुनाव है। तो फिर भर्ती निकालेंगे? नहीं, भर्ती तो चल रही है लगातार, सारे डिपार्टमेंट को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम चल रहा है, और सर सारे विभाग जो में, ये जो सारे जाटों को विभाग बनाने की में कोशिश कर रहे हैं, तो कभी जी। ये रेलवे के जो परीक्षार्थी हैं उनकी नाराजगी दूर करने के लिए भी कोई आयोजन करिए? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं ना, उसके लिए कमेटी बनी है, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी, तो रेलवे के जो परीक्षार्थी हैं उनकी नाराजगी मुद्दा बनेगी न्याय आपको मिलेगा। लगता है? नहीं, वो देखिए, कैसे? वो मुद्दा नहीं बनेगा, मुद्दा नहीं बनेगा अब तिलक ये जी, दो अपने साल की देश कीमत में। कौन चुकाएगा, छात्रों की? नहीं, सरकार उसके लिए कृतसंकल्प है, सरकार काम कर रही है। उस 3 वर्षों में हमने 5.5 लाख रोजगार, हमने सरकारी रोजगार साढ़े दिए पांच लाख लोग जी, सर, विभाग चौहत्तर अनुसार हजार आंकड़ा मिल जाएगा? विभाग अनुसार हाँ रैंडमली चेक तैतीस करेंगे किसको कितनी नौकरी दी आपने, जी नाम के अनुसार, तैतीस विभाग अनुसार? तिलक जी 33 लाख हमने रोजगार, सरकारी रोजगार को छोड़ के निजी रोजगार के मामलों में भी
35.5 लाख रोजगार देने का काम हमारी योगी जी की सरकार ने, 35.5 लाख लीक जी। बीजेपी उत्तर प्रदेश ने इसे ट्वीट किया है और ये बयान कोट करते हुए अमित शाह जी का, जो हमारे देश के माननीय गृह मंत्री जी हैं, वो उसमें बता रहे हैं कि हमें वोट नहीं दिया तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा। अनंत अमित जी, आप कह रहे थे कि नफरत की राजनीति हम नहीं करते, इस ट्वीट के मायने क्या है, मतलब क्या है? हमें वोट नहीं दिया तो मुजफ्फरनगर फिर से जल उठेगा, मतलब? समाजवादी पार्टी और कुछ विरोधी पार्टियों के द्वारा जो एक माहौल बनाया गया धर्म को लेकर, जाति को लेकर, उसके तहत माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि जिस तरीके से विगत 5 वर्षों से धर्म को देखकर वोट करें, धर्म को, कानून व्यवस्था